ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि जो सावन का पवित्र महीना है वो शुरू हो रहा है, और इस पवित्र महीने में अगर आपने वो चार काम कर लिए तो आपके घर से कभी भी खुशियां जाएंगे नहीं, आपके घर में खुशियों का भंडार होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन लाइक कर दो। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर एक कोई इंसान है, वो क्या कर रहे हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जल समर्पित करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी जल को समर्पित करें, सबसे पहला काम तो आपको तांबे के लोटे से जल को समर्पित करना है, क्योंकि आजकल सभी घरों में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप महादेव को सावन के महीने में या फिर कभी भी तांबे के लोटे से जल को समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम बता देता हूं आपको कि दिशा को लेकर के, जब कभी भी महादेव के शिवलिंग पे आपको जल समर्पित करेंगे तो आपका जो मुख होगा, आपका जो मुंह होगा, आपका जो फेस होगा वो नॉर्थ साइड होगा, यानी कि उत्तर दिशा में होगा। जैसे ये महानुभाव जो भी जल समर्पित कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो नॉर्थ साइड है, जो उत्तर दिशा है वो इस साइड है, और जो साउथ डायरेक्शन है वो इस साइड है। तो आपको अपना मुख किधर करना है, इस साइड, इस साइड कर करके आपको जल को समर्पित करना है। जिस भी तरफ आप अपने हिसाब से, जो भी आपका अपना साइड होगा देख लेना, उस साइड करना है जिस साइड नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको जल को समर्पित करना होगा, पूजा पाठ करनी होगी। दो काम मैंने आपको बता दिए। तीसरा काम आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जब आप लोटे से, जैसे मान लीजिए जल आप चढ़ा रहे हैं, तो जो तांबे का लोटा, उसका मुख छोटा होना चाहिए। आकार कितना भी बड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि ये आकार इतना बड़ा है, लेकिन जो लोटे का मुख होना वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, इस तरीके से लोटा हो, या फिर लोटा ही छोटा हो, उसका मुख छोटा हो। तो छोटे मुख वाले लोटे से आपको जल समर्पित करना है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा काम मैंने अभी आपको बताया नहीं, तीसरा काम आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आप जब भी सावन के महीने में जल को समर्पित करें तो उसके साथ ही साथ आपको दूध को भी समर्पित करना है, और वो दूध आपका कच्चा दूध होना चाहिए, पका दूध नहीं। कच्चा दूध, पका दूध का मतलब ये, कच्चा दूध मतलब कि वो दूध जो आंच पर, गैस पर, ताप पर ना रखा गया हो, वो दूध कच्चा दूध होता है। तो महादेव को आपको कच्चा दूध चढ़ाना है, बात आ रही समझ। सावन के जब भी आप मंदिर जाएंगे कच्चा दूध जरूर समर्पित करिएगा। ये तीन काम हो गए। चौथे काम की मैं बात करूं, चौथा काम आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जल तो तांबे के लोटे से समर्पित करना है, ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन जब आप दूध को समर्पित करेंगे तो आपको तांबे का लोटे का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है, वरना आपको पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि जब आप तांबे के लोटे में दूध को रख देते हैं तो वो दूध जो होता है विष बन जाता है, जहर बन जाता है, और हमको जहर महादेव को नहीं समर्पित करना है, हमको कच्चा दूध समर्पित करना है। तो तांबे का लोटा इस्तेमाल मत करिएगा जब भी आप दूध को समर्पित कर रहे हो महादेव को। ये चार काम अगर आपने अपना लिए इस पूरी सावन में तो आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। और हाँ, आप जल चढ़ाएं तो तांबे के लोटे से चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं तो कोई लोटा ले लें, बस तांबे का लोटा मत लीजिएगा। और अगर आप जल को तांबे के लोटे चढ़ाते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो कोशिश की आपको बहुत अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आवाज पहली बार मेरी सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना रखना नीचे कमेंट में बिल्कुल पूछा करिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मुझसे फोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।